देखो यार दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों, बीच में पबजी मोबाइल का जो 2.9 का अपडेट आने वाला है उसका कंफर्म रिलीज डेट अपने पास निकल के आ चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे पबजी मोबाइल के अंदर जो प्रीमियम क्रेट आने वाला है उसके अंदर आपको कौन सा अपग्रेडेबल वेपन देखने के लिए मिलेगा, बीजीएमआई के अंदर कौन सा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करें हम लोग A4 रॉयल पास के कुछ लीक्स के बारे में। तो कुल मिला के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजू में पबजी मोबाइल के 2.9 अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये लास्ट अपडेट होने वाला है बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल का, जो कि दोस्तों आपको अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। जो आपका नेक्स्ट अपडेट होने वाला है, जी हाँ, आई थिंक दोस्तों 3.0 का होने वाला है, जो कि दोस्तों आप लोगों को बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल के अंदर एकदम सेम टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा नहीं, एक दिन का, दो दिन का यहाँ पे आप लोगों को आगे पीछे हो सकता है। जैसे पहले बीजीएमआई पबजी मोबाइल के अंदर अपडेट्स आते थे वैसे ही आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल दोस्तों 2.9 अपडेट के रिलीज डेट के बारे में बात करूँ तो पबजी मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड में आने वाला है इसका फर्स्ट डेट है 7 तारीख, यानी कि 7 नवंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो फाइनल डेट है पबजी मोबाइल का जो एंड्रॉयड के ऊपर आता है अपडेट, वो 9 नवंबर को आप सभी लोगों को सारे कंट्री रीजन के अंदर जो अपडेट है वो मिल जाएगा। एंड iOS का जो अपडेट है दोस्तों सेम डे ही 7 तारीख को आ जाएगा जितने भी iOS यूजर। और भाई जो इंडिया के अंदर वेबसाइट वाला वर्जन खेलते हो वो भी आपको 9 नवंबर से सुबह में 7:30 बजे से जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पबजी मोबाइल जो VN है जो वियतनाम है उसको आपको उसके अंदर भी आपको 7 तारीख को सेम डे ही देखने के लिए मिल जाएगा। और KRGP है उसके अंदर एक दिन के बाद आता है 8 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि BGMI के अंदर जो है वो ये आपका लास्ट अपडेट ऐसे होने वाला है जो दोस्तों आप लोगों को जो है वो अलग देखने के लिए मिलने वाला है, किससे, पबजी मोबाइल से। उसके बाद दोस्तों अपडेट सेम ही टाइम पे आएंगे, क्योंकि गेम के अंदर अगर आप लोग जाके चेकआउट करोगे कुछ क्रेट्स की देख, फॉर एग्जांपल दोस्तों आप लोग का जो ये क्लासिक क्रेट है, अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो इसका जो टाइमिंग है वो 35 डेज दिखा रहा है। मतलब दोस्तों आप लोगों का ये जो क्लासिक क्रेट है वो आपका नवंबर के दोस्तों जो है वो 4th वीक, यानी कि लास्ट वीक में दोस्तों जो वो खत्म हो जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों 2.8 अपडेट के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लासिक क्रेट आपको देखने के लिए मिला है, और भी कुछ दोस्तों इवेंट्स जो शेड्यूल है वो दोस्तों 35 डेज के अंदर ही एंड हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का BGMI का 2.9 का अपडेट है वो आप लोगों को 4th वीक ऑफ नवंबर में देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से खेल सकते हो। एंड अपडेट्स के बारे में बात करो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस बार जो है वो विंटर थीम के ऊपर सारी चीजें बेस्ड होने वाली है। आप लोगों को दोस्तों मैंने इसके सारे ही फीचर्स दोस्तों एक्सप्लेन कर दिए, टोटल 3 से 4 एपिसोड्स मैंने डाले, सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके सभी को देख लो, आपको सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को रिलीज डेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि है दोस्तों पबजी मोबाइल के अंदर आने वाले जो प्रीमियम क्रेट होने वाला है, दोस्तों प्रीमियम क्रेट के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर आपको कौन सा अपग्रेडेबल वेपन देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे लोग भाई पूछ रहे कि कौन सा जो है वो यहाँ पे अपने को जो अपग्रेडेबल वेपन देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि आप लोगों का जो पबजी मोबाइल है ना उसके अंदर आप लोग को प्रीमियम के अंदर काफी सारे जो दोस्तों आप लोगों को जो डेफिनेटली दोस्तों जो अपग्रेडेबल वेपन है आप लोगों का M16 4A वगैरह ये सब भी आ चुके हैं। और इस बार आपको पता है कि विंटर थीम के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो इस बार आप लोगों का एक्सपेक्टेड है कि भाई एक्सपेक्टेड क्या, एक तरीके से 80-90% कन्फर्म है कि भाई आप लोगों को DMR कैटेगरी के अंदर Mini 14 की स्किन देखने के लिए मिलेगी, जो कि पूरी तरीके से विंटर थीम के ऊपर बेस्ड है। और भाई ये लेवल 7 की गन है, देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका नाम भी आप लोग देख पा रहे हो, और यहाँ पे दोस्तों ये लेवल 7 की गन है, और ये भाई आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, एक तरीके से आप इसको कन्फर्म ही मान के चलो। एंड दोस्तों AR VR आप लोग एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि AR वगैरह तो पहले ही आ चुका है। एंड भाई इससे रिलेटेड सारा लीक्स वगैरह जो वो आप लोगों का आने वाले 1 वीक के अंदर या फिर हो सकता है कि 3 से 4 दिन के अंदर निकल के आ जाएगा, तो मैं आपको मेरी वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों जो वो अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे स्टे ट्यून कीजिएगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको A4 रॉयल पास के बारे में बताऊँ तो A4 रॉयल पास के अंदर भी चीज़ें आप लोगों का जितना भी लीक्स वगैरह वो 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगी अपने पास, जिसके बाद मैं आपको वीडियोज़ बना के सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो A4 रॉयल पास के अंदर जो अपग्रेडेबल वेपन आने वाले हैं वो आने वाले दोस्तों आप लोगों का एक शॉर्ट गन का स्किन, जी हाँ, DBS का स्किन इन लोगों ने डाला। और भाई DBS का स्किन कितना पॉपुलर हो चुका है बीजीएमआई पबजी मोबाइल के अंदर, सभी लोग भाई यूज़ करते हैं, सभी की एक तरीके से फेवरेट गन बन चुकी है। ठीक है,
तो इस बार इन्होंने जो है वो अच्छा काम किया है, एआर कैटेगरी का गन नहीं डाला। इससे पहले आप लोगों को पता है कि भाई A2 में SMG डाला, A3 में यहाँ पे क्रॉसबो का स्किन डाला एंड फाइनली A4 के अंदर इन्होंने DBS का स्किन डाल दिया है। एंड हो सकता है कि जो आपका A5 रॉयल पास आएगा ना उसमें आपको कोई AR गन देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, AR कैटेगरी का गन, ठीक है। और भाई धमाकेदार होने वाला आपका A5 रॉयल पास। फिलहाल हम लोग अभी A4 रॉयल पास के ऊपर ही रहते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में A4 रॉयल पास ही आने वाला है। एंड दोस्तों A4 रॉयल पास के रिलीज डेट के बारे में बात करूँ तो भाई इसका आप लोगों को देख पा रहे हो रिलीज डेट क्लियरली यहाँ पे मेंशन है आप लोगों को यहाँ पे 14 तारीख को, जी हाँ 14 नवंबर को सुबह में 7:30 बजे जो आपका नया रॉयल पास है, जी हाँ, जो कि एक विंटर थीम के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड होने वाला है, वो आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। BGMI के अंदर आप लोगों को A3 रॉयल पास देखने के लिए मिलेगा जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। इसका रिवॉर्ड मैंने 1 से 100 RP का डाल दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। एंड A4 रॉयल पास का 1 से लेकर 100 RP का जो रिवॉर्ड है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो मैं आपको मेरी वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली जो वो बता दूंगा, ठीक है। एंड काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्लासिक क्रेट जो अपना नेक्स्ट आने वाला है क्या उसके अंदर अपने को M4 ग्लेशियर देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि भाई M4 ग्लेशियर का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ चुका है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, लोग पागल हो चुके हैं भाई यहां पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का ये जो विंटर अपडेट आ रहा है BGMI के अंदर भी आ रहा है, तो आप लोगों का नवंबर के टाइम पे आ रहा है ना अपडेट, जी हाँ 4th week of November में, तो दिसंबर के 1st week तक आप लोगों को एक फ्रोजन क्रिएट करके देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी लोग क्रिएट ओपनिंग करना चाहते हो रेडी हो जाओ, आप लोग UC से बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। क्लासिक क्रिएट के अंदर दोस्तों आने वाले टाइम में कौन सा अपग्रेडेबल वेपन आने वाला है इसके बारे में अभी कोई भी डिटेल यहाँ पे निकल के नहीं आई है, जैसे अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन BGMI के अंदर काफी सारे इवेंट्स भी आए हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। काफी सारे रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे परमानेंट दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे एंड बाय बाय दोस्तों।